हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ। मकर संक्रांति आने ही वाली है और आज मैं आपको ऐसा मांझा बनाना सिखाऊंगा जिससे आप किसी की भी पतंग आराम से काट पाओगे। पर उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास का पाउडर बनाएंगे। उसके लिए हम एक बल्ब लेंगे। आप कोई भी ग्लास का मटेरियल यूज़ कर सकते हो। अब हम इस तरीके से इसका पाउडर बना देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये सब आप किसी बड़े के हेल्प से ही करिएगा। बाय द वे फ्रेंड्स, ग्लास पाउडर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है, तो मैं आपको वही यूज़ करना प्रीफर करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है। और ये हमारा ग्लास पाउडर तैयार है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। कुछ इस तरह हमारा ग्लास पाउडर इतना बारीक होना चाहिए कि आप इसे आसानी से टच कर सको। तो ये हमारा ग्लास पाउडर तैयार है। अब हम पके हुए चावल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चावल का पेस्ट तैयार है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल देंगे और इसमें हम ग्लास का पाउडर डाल देंगे। और इसमें अब हम फूड कलर डालेंगे। मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेन रील लेंगे जिससे हम हमारा मांझा बनाएंगे। अब मैं मांझा बनाने के लिए ये सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से कोई भी सेटअप बना सकते हो। इस पर हम रील लपेट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोरी को लपेट ली है। अब हम हमारा पेस्ट लेंगे और इस दोरी पर दो तीन बार अच्छे से घिसेंगे ताकि ग्रीन कलर और कांच इस पर चिपक सके। ये देखिए फ्रेंड्स, दोरी पर ग्रीन कलर लगने लगा है। फाइनली पूरी दोरी पर ग्रीन कलर चढ़ गया है। अब हम इसे दो तीन घंटे सूखने देंगे। तीन घंटे हो गए हैं और हमारी दोरी पूरी सूख गई है। अब हम एक खाली फिरकी लेंगे और इसमें हमारी दोरी लपेट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बांध ली है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी दोरी पर कांच लग गया है। अब हम एक रेडीमेड दोरी से पेचे लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोरी जीत गई है। एक बार फिर से हम पेचे लगाएंगे, फिर से हमारी दोरी जीत गई है। तो फ्रेंड्स, इस बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।